जय हिंद। आज हम बात करेंगे क्लास सिक्स की ज्योग्राफी के चैप्टर एट के बारे में, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर में बात की गई है इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में, और बहुत बेसिक लेवल पर बात की गई है। सबसे पहले टर्म दे रखा है वेदर। वेदर क्या होता है? अ वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमोसफेयर। ये जो डे टू डे चेंजेस होते हैं एटमोसफेयर में, उनको बुलाया जाता है वेदर। फॉर एग्जाम्पल, कभी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी दिन जो है सनी होगा, कभी थोड़ा क्लाउडी होगा, कभी विंड थोड़ी तेज़ चल रही होगी, कभी बिल्कुल नहीं चल रही होगी। तो ये जो डे टू डे बेसिस पे चेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, उसे अपन क्या बुलाते हैं? वेदर बुलाते हैं। अगर सीजन्स की बात की जाए इंडिया में, तो इंडिया में चार सीजन्स हैं। पहला है कोल्ड वेदर सीज़न, जिसे अपन बुलाते हैं विंटर। सर्दियाँ आती हैं दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में। दूसरा है हॉट वेदर सीज़न, जिसे अपन बुलाते हैं समर सीज़न, मार्च से लेके मई के बीच में यूजुअली समर्स होते हैं। फिर तीसरा है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, रेनी सीज़न। ये साउथ वेस्ट मानसून अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जैसे जैसे अपन क्लासेस में आगे बढ़ेंगे ये बहुत डिटेल में आएगा। एक सीज़न है विंटर सीज़न, दूसरा है समर सीज़न, तीसरा रेनी सीज़न। रेनी सीज़न कब से कब तक होता है? जून से लेके सेप्टेम्बर के बीच में। ऑलमोस्ट 7 जून को हमारे यहाँ पे मानसून के आने की शुरुआत हो जाती है। तो ये जून से लेकर सितंबर तक क्या होता है? साउथ वेस्ट मानसून सीज़न या फिर रेनी सीज़न। और फाइनली ये जो मानसून आया, ये रिट्रीट करना शुरू करता है, वापस जाना शुरू करता है, और वो हमारा चौथा सीज़न है, सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जिसको ऑटमन भी बुलाते हैं अपन। और ये कब से कब तक होता है? अक्टूबर से नवंबर तक। चार सीजन्स हैं। पहला है कोल्ड वेदर सीज़न, विंटर सीज़न, दिसंबर से फरवरी के बीच में। दूसरा है हॉट वेदर सीज़न, समर सीज़न, मार्च से मई के बीच में। तीसरा है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, रेनी सीज़न, जून से लेकर सितंबर के बीच में। और चौथा है सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड वेदर सीज़न या विंटर सीज़न के बारे में। कोल्ड वेदर सीज़न का बड़ा सिंपल सा मतलब है, जब सन रेज हमारे हेमिस्फीयर में, नदन हेमिस्फीयर में सीधे सीधे नहीं पड़ रही होती हैं, तो उसे बोलते हैं कोल्ड वेदर सीज़न। बेसिकली होता क्या है, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर है, ये अर्थ के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये कौन सी लाइन है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये नीचे वाली को मान लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 0 डिग्री इक्वेटर है। अपने को ये पता ही है कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन जब अपन अर्थ पर खड़े होकर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सन जो है वो अपेरेंटली मूव कर रहा है। तो एक बार के लिए अंडरस्टैंडिंग लिए मान लेते हैं कि सन जो है वो मूव कर रहा है, ये मान लेते हैं ये अपना सन है, हालांकि अर्थ के कंपैरिजन में सन बहुत बड़ा होता है। अब अपने को नीचे देखने में क्या लगता है कि ये सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच तक मूव करता है। विंटर्स जब नदन हेमिस्फीयर में होते हैं, मतलब हमारे हेमिस्फीयर में जब विंटर्स होते हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो सन है ये सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करके चला गया है, या अर्थ की पोजीशन कुछ इस तरीके से हो गई है कि सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं, नदन हेमिस्फीयर में नहीं पड़ रही हैं। और क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज नदन हेमिस्फीयर में नहीं पड़ती हैं, तो हमारे यहाँ पर आ जाता है कोल्ड वेदर सीज़न या फिर विंटर सीज़न। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि हमारा जो कंट्री है वो नदन हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, यहाँ कहीं लोकेटेड है। फिर दूसरा सीज़न है हॉट वेदर सीज़न या फिर समर सीज़न। समर सीज़न का सीधा सीधा सा मतलब है कि सन की रेज जो हैं वो सीधे सीधे हमारे हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं, वो सीधे सीधे हमारे कंट्री के ऊपर पड़ रही हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि समर्स के टाइम पे सन जो है वो नदन हेमिस्फीयर की तरफ मूव कर रहा होता है, अपेरेंटली नदन हेमिस्फीयर की तरफ मूव कर रहा होता है, या फिर ये कहें कि अर्थ की पोजिशन कुछ इस तरीके से होती है कि सन की डायरेक्ट रेज नदन हेमिस्फीयर में पड़ रही होती हैं। और ये वो सीज़न होता है जब हॉट वेदर होता है, गर्मी पड़ रही होती है, और एक हॉट एंड ड्राई विंड भी चलती है, जिसे अपन क्या बुलाते हैं? लू। लू इज अ हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोज ड्यूरिंग द डे इन द समर सीजन। फिर तीसरा सीजन अपना साउथ वेस्ट मानसून या फिर रेनी सीजन। देखो अपन आगे चलते हुए बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि ये इंडिया का सदर्न हेमिस्फीयर है। जब ये रेनी सीजन आता है तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं। ये विंड्स की दो ब्रांचेज होती हैं, ये तो है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस के थ्रू, और ये जो विंड आ रही है, ये विंड जो है वो इंडियन ओशन के ऊपर से फ्लो कर रही है, और जब विंड पानी के ऊपर से फ्लो करती है तो अपने साथ में मॉइस्चर लेकर आती है, और यही मॉइस्चर इंडिया में बारिश करता है। तो ये साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसको रेनी सीजन बुलाते हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है
कि मॉनसून आ गया है और धीरे धीरे एडवांस कर रहा है। एडवांस कर रहा है मतलब कि हमारे कंट्री में एंटर कर रहा है धीरे धीरे। द विंड ब्लोज फ्रॉम अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड, दे कैरी मॉइस्चर विद देम, व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अकर्स। वही बात अपन कर रहे थे कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों तरफ से विंड्स जो है वो ब्लो करके हमारे कंट्री की तरफ आ रहे होते हैं, क्योंकि पानी के ऊपर से चल रही है विंड्स तो मॉइस्चर लेकर आती हैं, जैसे ही ये एंटर करती हैं और किसी माउंटेन वगैरह से टकराती हैं तो खूब सारी बारिश होती है हमारे यहाँ पे। फिर चौथा सीजन है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटमन। अब ये विंड्स आई हैं तो वापस भी तो जाएंगी। जब ये विंड्स वापस जाने की शुरुआत करती हैं, रिट्रीट करने की शुरुआत करती हैं, तो उसे बोलते हैं सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। द विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द वे ऑफ बंगाल एंड दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। और इस रिट्रीटिंग मानसून के सीजन के दौरान ये जो तमिलनाडु है और ये जो आंध्र प्रदेश है उसके ऊपर खूब सारी बारिश होती है। द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। अच्छा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश क्यों होती है उसके पीछे रीजन है। जैसे जैसे अपन बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये रीजन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, समझ में आएगा। देखो हमने क्या बात करी, एक तो हमने पढ़ा वेदर क्या होता है। वेदर क्या होता है? वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। डे टू डे बेसिस पे जो बदलाव हो रहा है एटमॉस्फेयर में उसको अपन क्या बोल देते हैं? वेदर बोल देते हैं। फिर हमने चार सीजन्स पढ़े। पहला पढ़ा कोल्ड वेदर सीजन जिसको विंटर भी बुलाया जा सकता है, दूसरा हॉट वेदर सीजन जिसको समर बुलाते हैं। इस हॉट वेदर सीजन में एक हॉट एंड ड्राई विंड चलती है जिसे अपन क्या बुलाते हैं? लू बुलाते हैं। तीसरा हमने बात करी साउथ वेस्ट मानसून सीजन या फिर रेनी सीजन के बारे में, बेसिकली मानसून आ गया है और एडवांस कर रहा है। और चौथा हम पढ़ रहे हैं सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून या फिर ऑटमन, बेसिकली ये जो मानसून आया था अब इसने वापस जाने की शुरुआत कर दी है। वेदर क्या होता है? डे टू डे बेसिस पे एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसे बुलाते हैं वेदर। फिर एक टर्म आपने सुना होगा क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशंस विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। पिछले कई सालों से, 30-35 साल से जो एटमॉस्फेयर की कंडीशंस रही हैं या जो एवरेज वेदर कंडीशंस रही हैं उनको अपन बोल देते हैं क्लाइमेट। मतलब डे टू डे बेसिस पे अगर एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है तो उसे बुलाते हैं वेदर, लेकिन पिछले 30-35 साल से ऑन एन एवरेज जो वेदर की कंडीशंस रही हैं उन्हें अपन क्या बुलाते हैं? क्लाइमेट। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का क्लाइमेट है, बिकॉज हमारे यहाँ पे मानसून जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मानसून की वजह से हमारे यहाँ पे रेनफॉल होता है। ये जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, विंड्स आती हैं, इसी की वजह से हमारे यहाँ पे रेनफॉल होता है और ये रेनफॉल हमारे कंट्री के इकोनॉमी को हैवीली इम्पैक्ट करता है। जैसे हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर है और इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री, हमारे यहाँ की ऑलमोस्ट 50-60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती है। अगर अच्छा मानसून होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो ज़्यादातर पॉपुलेशन खुशहाल रहेगी। तो हमारा जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का क्लाइमेट है। ये जो मानसून है ये एक अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, और मौसम का मतलब होता है सीजन्स। मौसम का मतलब क्या होता है? सीजन्स। तो अपन क्या कह रहे हैं कि एक तो हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट है? मानसून टाइप का क्लाइमेट है। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि जो टर्म है मॉनसून ये अरबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, और मौसम का मतलब क्या होता है? मौसम का मतलब होता है सीज़न। बड़ी बेसिक और सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, किसी भी जगह का क्लाइमेट तीन चार चीज़ों की वजह से अफेक्ट होता है। एक तो उसकी लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और ये 0 डिग्री इक्वेटर है। अब कौन से लेटिट्यूड पर कोई जगह लोकेटेड है, कौन से लॉन्गिट्यूड पर कोई जगह लोकेटेड है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी वजह से भी क्लाइमेट इंपैक्ट होगा। जैसे अगर कोई जगह इक्वेटर पर लोकेटेड है तो वहाँ पे बट ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर कोई जगह पोलर रीजन में लोकेटेड है तो बट ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होगी। तो एक तो लोकेशन इफेक्ट करती है क्लाइमेट को, दूसरा ऑल्टीट्यूड, किस ऑल्टीट्यूड पर, ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंचाई पे वो जगह लोकेटेड है, वो भी इफेक्ट करती है किसी भी जगह के क्लाइमेट को। हमने ये पढ़ा हुआ है पिछले सेशंस में कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता जाता है, तो ऑल्टीट्यूड भी इफेक्ट करती है क्लाइमेट को। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, किसी जगह की सी से दूरी कितनी है, वो भी किसी जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट करती है, इम्पेक्ट करती है। जैसे कोई जगह ऐसी है जो कि सी के बिल्कुल पास में लोकेटेड है तो वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो बहुत मॉडरेट होगा, ना बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, बिकॉज पास में पानी है, पानी का मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है। लेकिन कोई जगह ऐसी है जो कि सी से बहुत ज़्यादा दूर है
तो वहाँ पे क्लाइमेट के एक्सट्रीम्स देखने को मिलेंगे, गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी और सर्दी भी ज़्यादा पड़ेगी। फिर इसके अलावा रिलीफ, किसी जगह में कैसे रिलीफ फीचर्स हैं, कैसी हाइट है कंपैरेटिवली, उससे भी क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट होता है। तो क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाली तीन चार चीज़ें, एक है लोकेशन, दूसरा है ऑल्टीट्यूड, तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी और चौथा है रिलीफ। जैसे कि जैसलमेर और बीकानेर की बात करें तो यहाँ पे डेजर्ट है और ये बहुत ही हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। द्रास और कारगिल की अगर बात करें जो कि लद्दाख में है, वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड है। कोस्टल प्लेसेस जैसे मुंबई और कोलकाता की बात करें तो वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती और ना बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती। और मौसिनराम जो कि मेघालय में है, वहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है, ये याद रखना। मौसिनराम कहाँ पर है? मेघालय में है और ये जाना जाता है वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल के लिए। फिर बात आती है नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। देखो हमारे यहाँ पे हर एक तरीके की वेजिटेशन देखने को मिलती है, बुशेस देखने को मिलती हैं, शब्स देखने को मिलती हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े ट्रीज देखने को मिलते हैं। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, द ग्रासेस श्रब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, दे आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन किसे बुलाते हैं? कोई भी घास श्रब्स ट्रीज वगैरह अपने आप से खुद से उग के खड़े हो जाएं, ह्यूमन बींग्स ने कोई एफर्ट नहीं डाला उनको उगाने के लिए, तो उसे अपन बोल देते हैं नेचुरल वेजिटेशन। खुद से उगने वाले पेड़ पौधे श्रब्स ग्रास, उसको बुलाते हैं अपन क्या? नेचुरल वेजिटेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस विच आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब हर एक पेड़ पौधे के लिए सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं चाहिए, कुछ को ऐसा है कि थोड़े ज़्यादा गर्मी में भी उगाया जा सकता है, कुछ को ऐसा है जिनको गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती है। कुछ पेड़ पौधे मिलते हैं ट्रॉपिकल एरिया में, कुछ मिलते हैं पोलर रीजन में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है नहीं। अच्छा, फॉरेस्ट हमारे लिए बड़े यूज़फुल हैं। क्यों यूज़फुल हैं? एक तो पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट है, जंगल है, तो फॉरेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और ये ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किसी भी जगह पे अगर फॉरेस्ट है तो वहाँ पे सॉइल का इरोजन नहीं होगा, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट और बहुत सारी चीज़ों के काम आता है, जैसे खूब सारा टिम्बर मिलता है फॉरेस्ट में, लकड़ी मिलती है, और लकड़ी के बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे फर्नीचर के लिए, जैसे फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, जैसे फॉडर के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा हमें फॉरेस्ट से हर्ब्स मिलती हैं, लैक मिलता है, एक वो चिपचिपा स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, हनी मिलता है हमें, शहद मिलता है, गम मिलता है हमें। तो फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फॉरेस्ट हमारे लिए बेहद यूज़फुल हैं, और सिर्फ हमारे लिए ही क्यों, वाइल्ड लाइफ के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट, बिकॉज वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेशन है फॉरेस्ट। ये जितने भी जंगल के जानवर हैं, जंगल उनका घर है, तो हमारे लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए, दोनों के लिए ही फॉरेस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। बट एक प्रॉब्लम है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखने को मिल रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फॉरेस्ट को रेकलेसली काट रहे हैं, पेड़ों को काटे जा रहे हैं बिना सोचे समझे, और इसकी वजह से हमें खतरा है, इसकी वजह से हमें समस्या हो सकती है। फिर बात आती है वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ह्यूमन लाइफ है। और हमारे कंट्री में थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं, एम्फीवियंस देखने को मिलते हैं, मैमल्स देखने को मिलते हैं, बर्ड्स देखने को मिलते हैं, इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं, वॉर्म्स वगैरह, हर तरीके की चीज़ हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, ये आपको पता ही होगा। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। अब फॉर श्योर यूपीएससी में कोई ये नहीं पूछेगा कि हमारा नेशनल एनिमल कौन है, लेकिन गिर फॉरेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि बताओ गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो ध्यान रखना कहाँ पर है, गुजरात में है। और किस चीज़ के लिए जाना जाता है? एशियाटिक लायंस के लिए जाना जाता है। एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोस कहाँ मिलते हैं? असम में मिलते हैं। एलिफेंट्स कहाँ मिलते हैं? केरला में मिलते हैं, कर्नाटका में मिलते हैं। तो एलिफेंट्स असम में भी मिल जाते हैं, एलिफेंट्स केरला और कर्नाटका में भी मिल जाते हैं। कैमल्स, ऊँट की बात की जाए, वाइल्ड एसेस की बात की जाए, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान में मिलते हैं, रण ऑफ कच्छ गुजरात में मिलते हैं। फिर इसके अलावा वाइल्ड गोट की बात करें, स्नो लेपर्ड की बात करें, बियर्स वगैरह की बात करें, तो ये हिमालयन रीजन में मिलते हैं, ठंडे रीजन्स में मिलते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे जानवर हैं जो कि मिलते हैं, जैसे मंकी मिलता है, वोल्फ मिलता है, नीलगाय मिलती है, जैकाल मिलता है, चीता मिलता है, ऐसे बहुत सारे और एनिमल स्पीशीज़ मिलते हैं। इंडिया में सिर्फ एनिमल्स ही नहीं है, बर्ड्स भी खूब सारे मिलते हैं, और खूब खूबसूरत बर्ड्स मिलते हैं।
पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक है हमारा। पीकॉक के अलावा पैरट्स मिलते हैं, पिजियंस मिलते हैं, फिर गीज मिलता है, बुलबुल मिलती है, डक्स मिलते हैं। और इतना हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इस डेवलपमेंट के बैकड्रॉप में वाइल्ड लाइफ को, बर्ड्स को, सबको ही थोड़ा थोड़ा नुकसान तो हुआ है। जब जंगल काटे जा रहे हैं तो उनका नेचुरल हैबिटेशन ख़राब होता ही है, तो इनके लिए सरकार फिर एक्स्ट्रा एफर्ट भी लेती है। जैसे सेंचुरीज बनाई गई हैं जो कि बर्ड्स के लिए घर का काम करती हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ ऑफ स्नेक्स भी मिलते हैं, जैसे कोबराज मिलते हैं, जैसे क्रेट्स मिलते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन बींग्स बड़ा रैपिडली फॉरेस्ट को काट रहे हैं, स्पीशीज़ को हंट कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं वो रैपिडली डिक्लाइन कर रही हैं। एक तो आप फॉरेस्ट को काट के उनके घर को ख़त्म कर रहे हो, दूसरा उनको हंट कर रहे हो उनके स्किन के लिए वगैरह वगैरह के लिए, तो इसकी वजह से हमारी जो स्पीशीज़ हैं वो रैपिडली डिक्लाइन कर रही हैं। इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, सेंचुरीज बनाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के थ्रू एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। तो सरकार ने नेशनल पार्क्स बनाए हैं इन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेंचुरीज बनाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं, और खूब सारे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट। हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और हमें इसको प्रिजर्व करने की, बचाने की बेहद ज़रूरत है। और इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ये देखो न्यूज़ आर्टिकल में सिमलीपाल रिजर्व की बात की गई है। ये सिमलीपाल रिजर्व कहाँ पर है? ओडिशा में है। सरिस्का एक टर्म दिया हुआ है यहाँ पे। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो ये जो जगह हैं जो दे रखी हैं उनके बारे में थोड़ा याद रखो, कभी कभी पूछ लेते हैं। अच्छा, कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जैसे पिनटेल डक है, जैसे क्रुल्यूज है, जैसे फ्लेमिंगो है, जैसे ऑस्प्रे है, जैसे लिटिल स्टिंट है। ये माइग्रेट करके आते हैं इंडिया में। सबसे छोटी माइग्रेटरी बर्ड लिटिल स्टिंट का वजन सिर्फ 15 ग्राम का होता है और ये आर्कटिक रीजन से ट्रैवल करके आती है इंडिया। लगभग 8000 किलोमीटर ट्रैवल करती है इंडिया पहुंचने के लिए। सबसे छोटी माइग्रेटरी बर्ड का नाम क्या है? लिटिल स्टिंट। इसका वजन सिर्फ कितना होता है? 15 ग्राम। और ये आर्कटिक रीजन से लगभग 8000 किलोमीटर ट्रैवल करके पहुंचती है कहाँ पे? इंडिया में। और इसके साथ चैप्टर खत्म हो गया। एक बार और देख लेते हैं बेसिक अपन ने जो भी बातचीत करी, हालांकि डिफिकल्ट है नहीं, वही सेम बातचीत है जो अपन ने पहले से पढ़ी हुई है। देखो हम क्या बात कर रहे थे, इंडिया में चार सीजन्स हैं। उससे पहले अपन ने बात करी कि वेदर क्या होता है। वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। चार अपन ने सीजन्स पढ़े। एक होता है कोल्ड वेदर, मतलब विंटर, बेसिकली सर्दियां पड़ रही हैं। दूसरा होता है हॉट वेदर सीजन, समर, और समर्स में एक हॉट एंड ड्राई विंड फ्लो करती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? लू। तीसरा होता है साउथ वेस्ट मानसून या फिर रेनी सीजन, जब बारिश के आने की शुरुआत हो जाए और बारिश एडवांस करना शुरू कर दे। ये बारिश किस वजह से आती है? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो विंड फ्लो कर रही होती है उसकी वजह से। फिर चौथा होता है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ये जो बारिश आई, विंड्स जो आई बारिश लेके, अब वो रिट्रीट कर रही हैं, वापस जा रही हैं, रिट्रीट होता है। और रिट्रीट के दौरान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में खूब बारिश होती है। क्लाइमेट बेसिकली क्या होता है? क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशंस विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। मॉनसून, ये जो टर्म है ये लिया गया है अरबिक वर्ड मौसम से, और मौसम का मतलब होता है सीजन्स। हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। ये सब अपन ने बात कर ली। किसी भी जगह का क्लाइमेट तीन चार फैक्टर से अफेक्टेड होता है। कौन कौन से? पहला लोकेशन, दूसरा ऑल्टीट्यूड, तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और चौथा रिलीफ। सबसे ज़्यादा बारिश दुनिया में कहाँ होती है? मौसिनराम। और मौसिनराम कहाँ पर है? मेघालय में। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? कोई भी ऐसा पेड़ पौधा घास जो कि बिना ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस के उग रहा हो उसे अपन क्या बोल देते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। फॉरेस्ट हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, हमने देख लिया क्यों इंपॉर्टेंट है। इन फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की खूब सारी वैरायटी मिलती है। हमारा नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर है। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है? गुजरात में है। और किसके लिए फेमस है गिर फॉरेस्ट? एशियाटिक लायंस का घर है। फिर इसके अलावा आसाम में एलिफेंट्स मिलते हैं, वन हॉर्न राइनोज मिलते हैं, केरला और कर्नाटका में भी एलिफेंट्स मिलते हैं। कैमल और वाइल्ड एशेस कहाँ मिलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट और रण ऑफ कच्छ में। ये जो जगह हैं इनको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखो, क्योंकि यूपीएससी कभी कभार जनरल क्वेश्चंस पूछ लेता है, और वहाँ पे अगर आपको पता होगा कि यार एलिफेंट जो है वो केरला कर्नाटका में मिलता है, तो आप थोड़ा दिमाग लगा के चीज़ों को ड्राइव कर सकते हो। तो थोड़ा ध्यान रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है। नेशनल वर्ड कौन सा है? पीकॉक है हमारा नेशनल वर्ड। इसके अलावा ये जो वाइल्ड लाइफ है इसको
ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन के ओवर इंटरफेरेंस की वजह से खूब खतरा भी है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंचुरीज बना रही है सरकार, नेशनल पार्क्स बनाए सरकार ने, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं, फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट है, और हमें ज़रूरत है कि हम फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को प्रजर्व करें, कंजर्व करें, वेस्ट ना करें, बेफिजूल में ना काटें, बेफिजूल में ख़राब ना करें। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।